Viewers, schools, public transport and business establishments have been set open by the administration after a week-long curfew in the Jammu region. We have with us few students. Let's talk to them that how their studies affected during this period and what now they expect from this situation which is going on in the Jammu. So, aap hame bataye ki schools open ho chuke hain. To is curfew ke time period mein kitna apni aapki jo studies hain wo affect rahi? स्टडीज़ तो रही हैं इफेक्ट, ये तो है, ये तो बहुत सही बात है कि स्टडीज़ अफेक्ट रही हैं, लेकिन जिस काज से हुई है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा था काज जिस हिसाब से, लेकिन आगे जो मतलब आगे मतलब ऐसा कर्फ्यू कभी आगे नहीं लगना चाहिए जिससे हमारी स्टडीज़ और इफेक्ट ना हो। बस यही है कि आगे कर्फ्यू लगना चाहिए, जो बाकी स्टडीज़ है और जो पेपर हमारे थोड़े पोस्टपोन्ड हुए हैं उनको थोड़ा मैनेजमेंट को देना चाहिए कि आगे किस तरह से वो आगे करते हैं, उनको बस थोड़ा अच्छी तरह मतलब बाकी जो छुट्टियाँ हैं बीच में पेपर्स में वो थोड़ी उनको देनी चाहिए, थोड़ा उनको प्रिपेयर करने का टाइम भी मिल सके, बस यही देखना चाहिए उनको जो मैनेजमेंट को। इंटरनेट सर्विसेज भी सस्पेंड रहीं, उसकी वजह से भी जो एग्ज़ाम टाइम पीरियड जो आगे आने वाला है, अगर ऐसी सिचुएशन आगे रहती है कंटिन्यू, अगर कर्फ्यू प्रिवेल होता है तो आपको लगता है कि ये स्टडीज़ पे एडवर्स इफेक्ट डालेगा एग्ज़ाम टाइम पीरियड जो कि अप्रोचेबल है अभी? यस, इट विल एडवर्सली इफेक्ट द स्टडीज़, यस। वो क्योंकि नेट से जैसे मतलब कि हमको बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स देखने को मिलती हैं और भी कई सारे पेजेस आते हैं वहाँ से हमको देखने, तो थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है, थोड़ा मतलब कि थोड़ा हाई लेवल जैसे कि होता है कोई तो उससे थोड़ा हमको इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, इंटरनेट बंद होने थे थोड़ा उनको मतलब करना चाहिए, थोड़ा खोना चाहिए उनको। आप बताइए कि स्कूल एक हफ्ते के बाद आप जा रहे हैं और आज स्कूल ओपन हुए हैं, तो आपका क्या कहना है इस पूरे इशू के ऊपर या स्टडीज़ के ऊपर अगर हम बात करें कितनी इफेक्ट रही? स्टडीज़ तो बहुत इफेक्ट हुई हैं क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं, तो प्रैक्टिकल अभी कंप्लीट हुए नहीं है, तो अगर कर्फ्यू नहीं लगता तो प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाते, अब प्रैक्टिकल्स का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, उस पर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, तो मैनेजमेंट को ये करना चाहिए कि थोड़े एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दे या थोड़ी में बीच में हॉलीडेज ज़्यादा थे। अब ये कि और आगे कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए, और ऐसे जैसे कि अभी कुछ दिन पड़े हैं उसमें अब बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स वो अपने स्कूल वालों को कह सकते हैं कि उनके जो कंसेप्ट मतलब जो उनको अभी कुछ आता नहीं है या कुछ मिसिंग है उनका वो उनको पढ़ाए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कर्फ्यू अब रिलैक्सेशन पहले तो 2 बजे तक थी, अब 6:16 तक का है, तो स्कूल्स तो 10+2 तक ओपन हो गए हैं, स्कूल स्मूथली रन कर रहे हैं, और मुझे लगता है पेरेंट्स को भी चाहिए कि आप बच्चों को, क्योंकि एकेडमिक सेशन है तो बच्चों को वो स्कूल भेजें ताकि उनके एकेडमिक पे कोई ऐसा इफेक्ट ना हो। एग्ज़ाम उनके आगे नज़दीकी है, उनके एग्ज़ाम वगैरह, तो यही है रिक्वेस्ट, लोगों से भी यही अपील है कि वो एक भाईचारे को कायम रखें। एग्ज़ाम आने वाले हैं, बच्चे तो पागल हो गए हैं, बच्चे पढ़ाई के पढ़ाई तो उनकी इतनी लॉस हुआ है पढ़ाई का, कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो ये गलत करवा रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही सारा हाथ है। चलो,